ऑफिसर बनने की आपकी चाहत और माता पिता की उम्मीदें, ये सब तब साकार होगी जब आप एक प्लांट वे में स्टडी करेंगे। और प्लांट वे में स्टडी करने के लिए जरूरी है कि एग्जामिनेशन में आपको जाकर के करना क्या है और आपसे क्या उम्मीदें हैं वो सब आपको पहले से पता हो। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको SSB इंटरव्यूज के जो 15 OLQs हैं, जिसके बारे में डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बार बार दिमाग में सोचना पड़ता है कि क्या आखिर वहाँ देखा जाता है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो जाएं। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप खुद अपने आप से कह पाएंगे कि वहाँ जो कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है वो मेरे अंदर है, मुझे जस्ट उसको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किसी कैंडिडेट में देखा क्या जाता है। तो सबसे पहले जो 15 OLQs है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे हेड पार्ट से रिलेटेड होता है कि हमारे दिमाग के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, हम किस तरह से अपने आप को आगे आने वाले कामों के लिए प्रिपेयर रखते हैं और उनमें अपने इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे पहली बात जो है वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस होता क्या है प्यारे बच्चों? जनरली इफेक्टिव इंटेलिजेंस से बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों के अंदर जो रीजनिंग है वो रीजनिंग ही इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। देखो, आपके अंदर जो बेसिक इंटेलिजेंस होता है उसको तो वो वर्बल और नॉन वर्बल के बेसिस पर टेस्ट कर चुके होते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस में जो बात मेन होती है वो एसेसर वांट्स टू सी इफ यू कैन सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड कोप विद द माइनर डिफिकल्टीज ऑफ डेली लाइफ। कि हमारे दिन में जब हमारी डे टू डे लाइफ को हम जीते हैं तो उसमें कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है। सपोज हम एकेडमिकली निकले, हमारी साइकिल पंक्चर हो गई, सपोज हमारे घर का पंप खराब हो गया, इस तरह के डे टू डे लाइफ के कई सारे चैलेंजेस हैं। सपोज हमारे घर में कोई बीमार हो गया, तो इन सारी सिचुएशंस को आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें आप कितने अच्छे से कर पाते हो। तो डेफिनेटली आप और हम इन सारे चीज़ों से रोज हमारा सामना होता है और हम इनको अच्छे से हैंडल करते भी हैं। तो सबसे पहली बात हो गई आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बाद में जो बात आता है वो है रीजनिंग एबिलिटी, कि आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है या नहीं है। बोले सर, अभी तो आप कह रहे थे वर्बल नॉन वर्बल हो गया, फिर रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? तो रीजनिंग एबिलिटी क्या है, देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू ग्रेस्प ए गिवन सिचुएशन एंड अराइव एट ए कंक्लूजन। जो सिचुएशन आपको दिया जा रहा है उस सिचुएशन को आप ग्रेस्प कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, और साथ ही आप उस जो सिचुएशन को जिसको आपने ग्रेस्प किया है उसको कंक्लूजन तक ले जा पा रहे हो आपकी रेशनल थिंकिंग के थ्रू। यानी कि जो आप सोच रहे हो वो आपका सोचना जो है लॉजिकल होना चाहिए, वो आपके इमोशंस के बजाय उसमें लॉजिक शामिल होना चाहिए। इन रीजनिंग एबिलिटी द असेसर्स आर लुकिंग फॉर योर रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड द एबिलिटी टू सी द एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम्स। तो आपका कितना एटीट्यूड उस चीज़ के लिए, आप कितना रिसेप्टिव हो, चीज़ें जब आपके सामने आती है तो उनको आप कितने अच्छे से ग्रेस्प कर पाते हो, कितना अच्छा आप लॉजिक के थ्रू कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर। थर्ड अगर हम बात करें बच्चों तो ये आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि आप के अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस अच्छा है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है। अब बात आती है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब आपको ऑफिसर के रूप में जवाबदारी दी जाएगी तो उस जिम्मेदारी में आपको ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें करना होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर क्या देखा जाता है, इट इज़ द एबिलिटी टू यूज रिसोर्सेस सिस्टमेटिकली टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट्स। ध्यान से समझिए, हर काम क्यों किया जाता है, इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए, आपको रिजल्ट मिले और वो रिजल्ट इफेक्टिव भी हो, और उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप जो है अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज करो, सिस्टमेटिकली यूज कर पाओ। इन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी द असेसर्स आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ यू यूज द वेरियस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। आप डिफरेंट रिसोर्सेज का कितने ब्यूटीफुली, कितने स्मार्टली यूज करते हो। कई बार बंदा ऐसा होता है एक ही बार में छोटे से इवेंट्स में ही सारे रिसोर्सेज को है ना यूज़ कर लेता है, एक्सप्लोइट कर लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद भी उनके रिसोर्सेज बचे होते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट फैक्टर वन का। अब आता है फोर्थ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। बंदो, जिस बंदे के अंदर एक्सप्रेस करने का पावर है, देखिए देयर आर थ्री सीज, तीन सी होते हैं, कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस एंड कॉन्शियसनेस। कि आप जब SSB इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना होता है, आप बोलते रहिए पर आप जो बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे, तो व्हाटएवर यू आर कम्युनिकेटिंग यू हैव टू कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस।
जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करोगे तो वहां उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको कॉन्शियसनेस का भी ध्यान रखना है। आप हमेशा आप होश हवास में बातें करें, लॉजिकल बातें करें। इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज एडिक्वेटली एंड विद ईज एंड क्लैरिटी। देखिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी होती है कि आपसे पूछा क्या गया है। कई बार ऐसा होता है, बंदा ग्रुप डिस्कशन कर रहा होता है, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक में वो किसी सब टॉपिक के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो पूरा डिस्कशन जो सब टॉपिक्स के आसपास ले जाना चाहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है, और क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर होता है तो हम वही चीज़ एक्सप्रेस करते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये था हमारा फैक्टर वन। फैक्टर वन के बाद आता है फैक्टर टू, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सोशल एडजस्टमेंट्स जो है ये आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटेलिजेंस सबके अंदर है, सबको भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है, सब खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जब सोशल एडजस्टमेंट की बात आती है तो बंदा वहाँ मात खा जाता है। तो सोशल एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सोशल एडाप्टिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अडॉप्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द सोशल एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट वेल विद पर्संस एंड सोशल ग्रुप्स। जनरली हर घर में आजकल एक एक बच्चा है, एक एक बच्चियां है, ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे हैं घरों में, तो उन सबको हर चीज़ बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है, और जो कुछ उपलब्ध है वो उसका यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले ऐसा होता था, संयुक्त परिवार होते थे, अगर मिठाई का एक किलो का डब्बा आता था वो 10 मिनट के अंदर गायब हो जाता, सब लोग उसको खा पी लेते थे। आजकल क्या होता है, एक किलो मिठाई आई है तो घर में ना मम्मी खा पा रही, ना पापा खा रहे हैं, बच्चे तो हाथ ही नहीं लगा रहे, वो जैसे आता है उसमें से आधा तो शायद वापस फेंकना ही पड़ता है, किसी को देना पड़ता है। तो अब क्या हो गया कि आप इतना रिच, इतना लेविसली बच्चे जिंदगी जी रहे हैं कि उनके अंदर मिक्सअप वाला जो भाव है वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है, वो एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, वो बड़ी दिक्कत है। द SSR इज इंटरेस्टेड इन योर एबिलिटीज टू अडॉप्ट टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। आप ग्रुप के मेंबर्स के साथ कितना अच्छे से अडॉप्ट हो पाते हो, हाउ यू इंटरेक्ट विद देम एंड विद द SSR, आर यू टैक्टफुल इन योर डीलिंग्स विद अदर्स। आप उनके साथ कितना अच्छे से इंटरेक्ट हो पाते हो, क्या आप टैक्टफुली लोगों के साथ डील कर पाते हो, क्योंकि देखो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप लोगों को कन्विंस कर पाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल एडजस्टमेंट के बाद, तो ये बात आती बच्चों कोऑपरेशन की, आपसी सहयोग। ठीक है, कोऑपरेशन यानी कि हेल्पफुल। अब देखिए जनरली क्या होता है, बंदा हर बच्चा जा रहा है रिकमेंडेशन के लिए, हर बंदा सोचता है कि मेरा रिकमेंडेशन हो या मेरा रिकमेंडेशन हो जाए। तो देखिए, आप अपना रिकमेंडेशन चाहते हो तो कई बार आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो, तो वहाँ सेल्फिशनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपका ग्रुप आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आप कितने हेल्पफुल इंसान हैं, आप किस तरह से ग्रुप के मेंबर्स की मदद कर रहे हो, आपको आइडियाज़ जो आ रहे हैं क्या आप उन आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करके उसकी मदद कर रहे हो, ये कोऑपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी को कोऑपरेशन कहा जाता है। तो इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ ए इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट विलिंगली एंड इन हार्मोनी विद अदर्स इन अ ग्रुप टू अचीव द ग्रुप गोल। ग्रुप का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कितने विलिंग हैं और आप हारमोनियसली कितने अच्छे से काम करते हैं, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ टीम प्लेयर एंड वन मस्ट नॉट बी सेल्फिश। आपको टीम प्लेयर होना चाहिए, ना कि आपको सेल्फिश होना चाहिए। द ग्रुप एम एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट एज कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल एम्स। आपके जो ग्रुप का लक्ष्य है वही सबसे बड़ा होना चाहिए, ना कि आपका व्यक्तिगत लक्ष्य कि साहब मैं PGT कर रहा था, मैं सबसे आगे निकल जाऊँ, बाद में मेरा ग्रुप आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं, GTO मेरे को देख चुका है, बंदा बहुत स्मार्ट है, देखो सबसे पहले अपना ऑब्स्टिकल पार कर गया। ऐसा नहीं करना है, आपका ग्रुप आपके लिए वहाँ पर सबसे बड़ी ताकत है। द SSR विल बी कीन ऑन सीइंग योर टीम एटीट्यूड। SSR आपके टीम एटीट्यूड को जरूर देखेगा। तो यहां पर सोशल एडजस्टमेंट के बाद दूसरी जो बात आई वो थी क्या, कोऑपरेशन। तो आपको टीम मेंबर होना चाहिए, इसीलिए कहने के टीम गेम जो बंदे खेलते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। अगला है बच्चों सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली बच्चों आप देखते हो कि सर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जिस रोल में है उस रोल की ड्यूटीज को वो सही अच्छे से जानता है या फिर नहीं जानता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी ड्यूटी सबसे बड़ी ड्यूटी जो है वही है कि हम अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाएं, हम अच्छे से मन लगा करके अपनी पढ़ाई करें और हम अच्छा स्कोर हासिल करें। इसके अलावा हमारी कोई स्टूडेंट लाइफ में ड्यूटी होती नहीं। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में हो, जो भी गेम्स में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें हमारा विलिंग पार्टिसिपेशन हो। अगर कोई बंदा ऐसा है जो जिसके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है, उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट बहुत डाउन जाता है बिना किसी कारण के, तो इसका मतलब ये समझा जाता है
कि एक स्टूडेंट के तौर पर इस व्यक्ति के अंदर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई सेंस नहीं था, इसको उसका कोई आभास नहीं था और इसीलिए कई बार बंदे फेल हो जाते हैं। सपोज आपने 12th क्लास में 85% स्कोर किया और अगर ग्रेजुएशन में आपका बिना किसी वजह से सिर्फ 60% रह जाता है तो वो देखेगा ना कहाँ 85 था कहाँ 60 था, व्हाट वाज द रीज़न। और ये जो 3 ईयर्स का पूरा ग्रेजुएशन का पीरियड होता है, इतने टाइम में तो बंदा जो है किसी भी समस्या से बाहर आकर के अपनी पढ़ाई को संभाल सकता है। समटाइम्स हैपन्स कि 10th में बच्चे का 90% है और 12th में 70 पे आके लटक गया है। तो देखिए, अगर आदमी के घर में वाकई कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम 2 साल में से 6 महीने के अंदर सुलझ जाती है। बाकी टाइम में आदमी अगर सुलझती नहीं है तो उन प्रॉब्लम्स के लिए व्यक्ति रेजिस्टेंस गेन कर लेता है और अपना वापस अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगता है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट आता है बच्चों इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने किसी भी काम को शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी काम को शुरू करने के लिए आप उसको बिगिनिंग कह सकते हैं, बस सिर्फ काम को छेड़ना नहीं है, जिस काम को आपने हाथ में लिया है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना इसको कहते हैं। और दूसरा कि सही डायरेक्शन में मूवमेंट लेना। ऐसा नहीं कि आपको अगर कहा गया कि इनिशिएट लो तो आप फटाक से जो है आपका हेलीकॉप्टर जो सही सही पोजीशन में आया ही नहीं और आप एकदम से जंप कर गए, ऐसा नहीं। आपको किसी काम की स्टार्टिंग करना है, साथ ही साथ वो स्टार्टिंग जो है वो सही डायरेक्शन में हो। और आप उस काम को होल्ड कब तक करोगे, आप उस काम को कब तक कंटिन्यू रखोगे, जब तक आप उसका रिजल्ट अचीव नहीं कर लेते। इट इज द एबिलिटी टू ओरिजिनेट एन एक्शन, किसी एक्शन को शुरुआत करना। द एसेसर सी इफ यू टेक द लीड इन द राइट डायरेक्शन, क्या आप सही दिशा में डायरेक्शन लेते हो, सही दिशा में मूवमेंट लेते हो, एंड सस्टेन इट टिल द रिजल्ट इज अचीव्ड, और इसको तब तक जारी रखते हो जब तक परिणाम हासिल ना हो जाए। कई सारे बंदे होते हैं डिफेंस सर्विसेज का, उनको सपना आता है बोले ऑफिसर बनना है और थोड़े दिन पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चले जाते हैं, जो कि सही इनिशिएटिव नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर इनिशिएट करना है सही डायरेक्शन में और तब तक काम को जारी रखना है जब तक आपका रिजल्ट प्राप्त नहीं हो जाता ना। इसके बाद आता है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से, कि सारी बात हो गई, इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी हो गई, सोशल एडजस्टमेंट हो गया, कोऑपरेशन हो गया, इनिशिएटिव हो गया, उसके बाद आता है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा है। जो कुछ आप बोलते हो, जो कुछ आप करते हो, क्या आप उसके साथ में खड़े हो? सपोज आप टाइगर लीप पर अगर जंप भी कर रहे हो तो क्या आपका मन और जो बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अगर हाँ तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप टाइगर लीप पर जंप करने गए, आपको जंप करना है पर आपका दिमाग कह रहा है जंप कर जा, शरीर गवाही नहीं दे रहा है, तो वहां पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन है। तो इट इज द फेथ इन योर ऑन एबिलिटीज टू मीट स्ट्रेसफुल एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस। सिचुएशंस थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल होगी, फौज के सामने जो टास्क होते हैं वो तो सारे एकदम नए टास्क होते हैं, वो जितने भी टास्क के लिए फौज जाती है वो हमेशा उनसे अनफेमिलियर होती है। तो तनाव की स्थिति में, अनफेमिलियर कंडीशंस की स्थिति में आप अपने आप पर कितना भरोसा रखते हो? क्योंकि अगर आपको अपने आप पर भरोसा रहेगा तो आप अपने बडीज को मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो और आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहां पर बात आती है स्पीड ऑफ डिसीजन। अब बच्चों स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब यह नहीं है कि सवाल आया और आपने जवाब दे दिया, वहां पर कोई अंताक्षरी का खेल नहीं हो रहा कि आप एक बंदा खत्म होता है दूसरा चालू हो जाए। आपको स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब यह है कि आप क्विक डिसीजन लें, पर क्विक डिसीजन के साथ साथ आपका डिसीजन सही भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, इसी को कहते हैं स्पीड ऑफ डिसीजन। इट इज द एबिलिटी टू अराइव एट ए वर्केबल डिसीजन क्विकली। देखिए क्विकली डिसीजन लिया और डिसीजन कैसा होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस, नेमली appropriateness of the decision and quickness in arriving at the decision। कि आप जो decision लें वो decision appropriate होना चाहिए, मतलब एकदम सटीक होना चाहिए कि वाकई करना क्या है और जो करना है उसके लिए जो टाइम है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि फौज के पास सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना है या फिर एयर स्ट्राइक करना है तो आपको टाइम के अंदर दम लगाना पड़ता है और वो दम आप तभी लगा पाते हो जबकि आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है स्पीड ऑफ डिसीजन की। प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ डिसीजन के बाद देखिए एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप।
आपके अंदर क्या अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। बच्चों कई बार आप देखते हो क्लास के अंदर कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि कोई उन्हें पेन तक ना दे। अब सोचिए जिस बंदे का व्यवहार क्लास में ऐसा है जिसको कोई पेन तक ना दे, उस व्यक्ति के कहने पे कोई जान कैसे दे सकता है। तो आपके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि सामने मौत का खतरा होने के बावजूद भी व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हो। इतनी क्षमता, इतना पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए। इसी को कहते हैं एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द ग्रुप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट बाय हिम। व्हाट इज सीन इज वेदर यू कैन कन्विंस अदर्स टू डू थिंग्स दैट यू वांट देम टू डू विलिंगली विदाउट द यूज ऑफ एनी फोर्स। आप अपने बल का भी प्रयोग ना करो और वो आपकी बात मान ले। बच्चों ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, इसका यूज आप सबसे पहले कहाँ करते हो? पीपीटी में करते हो, कि जब आप स्टोरी में डिस्कशन कर रहे हो, उस पिक्चर पर अगर आप डिस्कशन कर रहे हो और वहाँ लोग आपकी बात मान ले, कॉमन स्टोरी में आपका अगर अच्छा रोल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगली बात आती है लाइवलीनेस की। अब बच्चों लाइवलीनेस को हम लोग चीयरफुलनेस भी कहते हैं। अब देखिए वैसे तो इंसान जो खुशी होती है अच्छे मोमेंट्स होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स में तो इंसान हमेशा खुश रहता ही रहता है। इंसान परेशानियों को भी हंस के सामना करें। आप समझते हो ना कि अगर दुख के सामने अगर मुस्करा दिए तो आपका दुश्मन भी हथियार डाल देता है कि यार कैसा जिद्दी आदमी है, इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी हंस रहा है। तो वो लाइवलीनेस आपके अंदर होना चाहिए। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू रिमेन काम एंड चीयरफुल व्हेन ही फेस्ड विद डिफिकल्टीज। जब व्यक्ति डिफिकल्टीज को फेस करे तब वो कैसा होना चाहिए? चीयरफुल होना चाहिए। एंड ब्रिंग अबाउट अ चीयरफुल एटमोसफियर इन द ग्रुप। और ग्रुप में कैसा माहौल बना के रखे? एकदम चीयरफुल, यानी कि अपने लड़कों को मोटिवेट रखे। बच्चों जब युद्ध का मैदान होता है, हमारे कुछ साथी घायल होते हैं, कुछ साथियों के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, उस समय में भी आपके अंदर अगर आगे बढ़ने का जज्बा आएगा तो सिर्फ तभी आ सकता है जब आपके अंदर लाइवलीनेस हो। व्हाट इज सीन इज वेदर यू गेट अनड्यूली वरीड और डिस्टर्ब्ड व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते हो तो आप डिफिकल्ट तो नहीं, आप जो है डिस्टर्ब तो नहीं होते हो। अगर आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो आपके अंदर लाइवलीनेस का जो पार्ट है वो दम लगा करके है। फैक्टर फोर की अगर हम बात कर रहे हैं, डायनामिज्म की बात करें, तो यहां पर अगला पॉइंट आता है बच्चों करेज। ठीक है, अब देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब था कि आपको अपने अंदर भरोसा है, आप स्वयं पे विश्वास कर रहे हो कि आई कैन डू दिस टास्क, ये काम जो मेरे सामने इसको मैं आसानी से कर सकता हूं। करेज के हिसाब से कहना चाह रहे हैं इट इज द एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड टेक पर्पसिव रिस्क। ठीक है, कि देखो आदमी खुद तो काम करता है पर दूसरों को थैंक यू बोलना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, ये बड़ी ताकत है। अपनी तारीफ हर कोई कर सकता है पर दूसरे की तारीफ करने के लिए जिगरा चाहिए, आपने सुना होगा। तो दूसरों को अप्रिशिएट करना, साथ ही पर्पसिव रिस्क। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और एकदम से गड्ढे में कूद जाओ। देखिए भाई कि क्या गड्ढे में कूदा जा सकता है? वहां कूदने से कोई जनहानि तो नहीं होगी, यहां कूद करके हम प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। यानी कि पर्पसिव रिस्क, अगर जरूरी है तो ही रिस्क लेना, और वो रिस्क लेने में भी बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दूसरा रास्ता ढूंढना, इसको आप करेज कहते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू टेक रिस्क ओनली वेयर रिक्वायर्ड। जब जरूरी हो तब रिस्क लिया जाए, एंड देट टू आफ्टर केयरफुल थॉट, और वो भी कब? बहुत ज्यादा सोच समझ करके। सम कैंडिडेट्स टेंड टू मेक रश डिसीजंस विच मे इनडेंजर द लाइफ ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड दैट इज अनडिजायरेबल। कुछ लोग जो है तुरंत फुरत में एकदम से बिल्कुल ऐसा एक्शन, ऐसा डिसीजन लेते हैं जैसे कि इनके पास टाइम ही नहीं था, और वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके सबऑर्डिनेट्स को खतरे में डाल सकता है। इसलिए आपके अंदर थॉटफुल रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन रिक्वायर्ड। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और वो भी कब लेना है बच्चों? जब आवश्यकता हो तब। और लास्ट आता है स्टेमिना। इट इज द कैपेसिटी टू विदस्टैंड प्रोट्रैक्टेड फिजिकल एंड मेंटल, है ना? आप देखोगे बच्चों जब शरीर थक जाता है तब दिमाग लड़ता है, दिमाग से आदमी कि हाँ मुझे युद्ध जीतना ही है। कई बार आप जब पढ़ाई करते हो आप बिल्कुल थक के चूर चूर हो जाते हो, उसके बाद भी आपको लगता है यार एक घंटा और पढ़ लिया जाए, मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नहीं पढ़ जाएगा, एक घंटा और पढ़ लिया जाए, इंग्लिश में मुझे इतना मैं कवर कर पाऊंगा। तो आपका स्टेमिना जो है वो भी मायने रखता है। इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस। आपका फिजिकल और मेंटल इंड्योरेंस कितना अच्छा है इन दी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। हाँ ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। बच्चों आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है, तो निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों
ये जो वीडियो है हमने कमांडर नटराजन साहब की किताब की मदद से बनाया, सो थैंक्स टू कमांडर नटराजन साहब। और इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो इसको अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आपको और आपके दोस्तों को बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, फोर्स डिफेंस एकेडमी के आपके जो स्वयं के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है एसएसजी वर्ल्ड, उसको फॉलो करना ना भूलें। अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।